हेलो, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी, सीएलसी सीकर। आज हम सीएलसी एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट जो हरियाणा में कंडक्ट हुई थी उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं फिजिक्स के पेपर का। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एक है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इक्वस टू माइनस 8 nC इज लोकेटेड एट द ओरिजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम वेक्टर एट द पॉइंट। ये पॉइंट आपको गिवन है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखना, देखो इस पॉइंट पे ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑब्वियसली इसकी तरफ होगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये आपके पास डिस्टेंस दे रखी है 1.6 मीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास में कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास में 2 मीटर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹, और क्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, 8 × 10⁻⁹ अपॉन आर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, 4। तो सॉल्व करने पे ये कट जाएंगे, और इसके बाद में ये आपके पास आ जाएगा 18 newton per coulomb। और इसके बाद में इसके अपन दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। तो ये वाला एंगल अपने पास ऑब्वियसली कितना देगा, 53 डिग्री। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो कितना देगा आपके पास में, 10.8, और ये वाला कंपोनेंट कितना देगा अपने पास में, 14.44। कैसे आएगा देखिएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट को ई एक्स इक्वल टू 18 cos 53, और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, 3/5। तो ये कितना देगा आपके पास में, 10.8। और इसके बाद में ई वाई इक्वल टू कितना होता है, 18 × 4/5, और सोल्व करने पर ये अपने पास में कितना देगा, 14.4। तो करेक्ट आंसर क्या देगा इसका, थर्ड आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। अभी देखिएगा, देखो यहाँ पे अपने पास में एक सर्किट है, और इस सर्किट को ऐसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले की को अपन ऑन करते हैं, और उसके बाद में की को अपन रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर तेजी से करंट फ्लो होगी, तो ये आपके पास में जो वायर है इसके अंदर इस प्रकार से यू करंट आएगी, और इसके अंदर यू करंट आएगी, तो ये आपके पास में करंट, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो सबसे पहले तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसके बाद में बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा। तो पहले तो करंट है उसकी डायरेक्शन जाएगी आपके पास में क्लॉकवाइज, और बाद में जो करंट है उसकी डायरेक्शन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ईएमआई का कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। अब अपन थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पे अपने को इस प्रकार से दे रखा है कि कन्वेक्स लेंस है, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपने को गिवन है, और जो वाटर है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी आपको गिवन है। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंस है इसके मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना देगा, 1.2, और जो मीडियम है इसका कितना देगा अपने पास, 1.33। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि म्यू एल लेस देन क्या देगा आपके पास, म्यू एम। और लेंस मेकर फॉर्मूला, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 × 1/r1 − 1/r2। इसके अंदर अगर ये वाली वैल्यूज अपन पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने को फोकल लेंथ वो नेगेटिव मिलेगी, और अपन जान देंगे फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, डाइवर्जेंट लेंस की होती है। तो ये अपने पास में सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास में दो कोहेरेंट वेव्स है, और दोनों की इक्वेशंस अपने को गिवन है। तो एक तो क्या आपके पास में A1 cos ωt, और एक अपने पास में A2 sin ωt है। तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी अपने को इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है ये बताना है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होती है। तो इसका अपन क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट वेव है A1 cos ωt, और सेकंड वेव क्या हो जाएगी आपके पास, A2 sin ωt। तो इधर की तरफ अपन क्या ले लेंगे, A2, और इधर की तरफ आपके पास में क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट है इन दोनों का इधर की तरफ आ जाएगा, और रिजल्टेंट अब वो कितना देगा आपके पास है, A = क्या देगा आपके पास, A1² + A2² √। और अपन जानते हैं I proportional to क्या होता है, A²। तो proportional to क्या देगा आपके पास में, A1² + A2² √ हट जाएगा स्क्वायर करने पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, इसके अंदर अपने को ऐसे दे रखा है कि एक ट्रांसपेरेंट सीट है जो कि आपने YDSA एक्सपेरिमेंट है उसमें किसी भी एक स्लिट के सामने आपने रख दी है। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, ठीक है ना। और ऐसे बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वहाँ पे इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I = I0
कॉस स्क्वायर 5/2, तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, इट मीन्स आई नॉट बाई टू, टू कैंसिल आउट बाई टू, तो यहाँ से आपके पास है कॉस 5/2 इक्वल्स टू कितना देगा 1/√2, तो यहाँ से आपके पास है 5/2 इक्वल्स टू कितना देगा ये 45 यानी पाई बाई 4, यानी यहाँ से आपके पास है 5 इक्वल्स टू कितना देगा पाई बाई 2 देगा। अब ये आपके पास में 5 आ गया यानी फेज डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से अपन पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो पार्ट डिफरेंस कितना देगा आपके पास डेल्टा, फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन 2π × 5, तो लेमडा अपॉन 2π × 5 कितना देगा π/2, पाई से 5, तो ये आपके पास हो जाएगा λ/4। और डेल्टा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, μ − 1 × t होता है, इसकी थिकनेस अपने को निकालनी है। जैसे इसके अंदर अपन म्यू की वैल्यू कितनी फुट कर देंगे, गिवन अपने को 7/5, तो म्यू की वैल्यू 7/5 फुट कर देंगे, सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5λ/8, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने को YDAC का क्वेश्चन आई है, और इसके अंदर अपने को ये दे रखा है कि दो स्लिट्स है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये अपने पास में कितनी हो जाएगी 0.9 mm हो जाएगी, यानी 0.9 × 10⁻³ मीटर। और इसके बाद में आपके पास है कैपिटल डी, तो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर, और फिर उसके बाद में ऐसे बोला जा रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे 1 mm की डिस्टेंस पे आपको क्या मिलता है सेकेंड डार्क फ्रिंज मिलती है, यानी आपको y की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 1 mm इक्वल्स टू 10⁻³ mm। और इसके बाद में आपको बोला जा रहा है डेल्टा, तो ध्यान से देखना, देखो जो फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट डार्क है, उसके लिए डेल्टा कितना होता है λ/2, और सेकेंड जो मिनिमा उसके लिए लेमडा कितना हो जाएगा 3λ/2, तो 3λ/2 ये आपको दे रखा है। और अपन जानते हैं कि y इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो डेल्टा कितना हो जाएगा आपके पास 3λ/2 D/d। अब यहाँ से आपको लेमडा पूछा जा रहा है, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना देगा, लेमडा को अपन लिख सकते हैं 2y d/3D। वैल्यू आपको गिवन है 2y की वैल्यू आप कितनी हो जाएगी आपके पास में 10⁻³, स्मॉल डी कितना देगा आपके पास में 0.9 × 10⁻³ 3, और कैपिटल डी कितना दे रखा है आपको 1। और अगर इसको अपन सोल्व कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 4th आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपने पास ये जो पॉइंट्स है, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स है वो सेम पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे 2 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो अपन जानते हैं कि 2 ओम और 6 ओम का पैरेलल कितना होता है 2 × 6 / 2+6, इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना देगा आपके पास 12/8, तो ये अपने पास 1.5 आ गया। और ध्यान से देखना, देखो ये जो 1.5 है ये इस नीचे वाले 1.5 के सीरीज में आ जाएगा, तो 1.5 1.5 ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 3 ओम, और 3 ओम उस 3 ओम के जो लास्ट में लगा हुआ उस 3 ओम के पैरेलल में आ जाएगा, तो 3 ओम 3 ओम कितना हो जाएगा 3 × 3/3+3, तो ये अपने पास से कितना देगा 1.5 ओम, तो इसको अपन क्या बोल देंगे आर नेट बोल देंगे। और अपन जानते हैं आई कोष्टू कितना होता है आपके पास वी अपॉन आर नेट, तो वी कितना देगा अपने पास में 6 / आर नेट कितना देगा 1.5, तो 4 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ऐसे दे रखा है कि जो एमीटर है उसकी रीडिंग 0 है, एमीटर की रीडिंग 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो एमीटर वाली ब्रांच है इसके अंदर करंट 0 है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये जो सर्किट को अपन बनाते हैं एक बार, इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना देगा 2 वोल्ट देगा। अब बैटरी का वोल्टेज कितना अपने पास में 12 वोल्ट, इसमें से 2 वोल्ट इस पे आ गया, तो रिमेनिंग जो 10 वोल्ट है वो इस पे ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसके अंदर करंट कितनी देगी बताओ I = V/R, तो V कितना देगा आपके पास 10/500, तो 1/50 एम्पियर ये इसके अंदर करंट आ गई। और ऑब्वियसली इधर की तरफ तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो जितनी करंट इसके अंदर आएगी पूरी की पूरी करंट इसके अंदर चली जाएगी, तो इसके अंदर करंट भी अपने को मालूम है, और इस पे 12 में से इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं,
तो आर इक्वल्स टू कितना होता है अपने पास में वी अपॉन आई, तो वी तो कितना देगा आपके पास में 2 अपॉन आई कितना देगा आपके पास 1/50, सॉल्व कर देंगे तो 100 ओम ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितने देगी अपने पास में 100 ओम आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपन देख सकते हैं अपने पास में 3 वोल्टमीटर हैं और तीनों की रेजिस्टेंस अपने को गिवन है, तो तीनों का जो वोल्टेज है तीनों की जो रीडिंग है वो पता करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ करंट मान लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपको आर, इसका रेजिस्टेंस कितना देगा 1.5 आर और इसका रेजिस्टेंस कितना देगा 3 आर। तो सबसे पहले इसके अंदर मान के चलेगा करंट कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी। अब आई में से देखिएगा इसका और इसका इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, तो करंट का रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास में 2:1, तो इसके अंदर जो करंट है वो कितना देगा आपके पास में 2i/3 और इसके अंदर करंट हो जाएगा अपने पास में i/3। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं वी ए, तो वी ए इक्वल टू कितना देगा आपके पास में i×R। इसके बाद अपन निकालते हैं वी बी, तो वी बी इक्वल टू कितना देगा आपके पास में 2i/3×1.5×R, तो ये भी आपके पास में IR आ जाएगा। और इसी प्रकार से वी सी निकालते हैं, तो वी सी इक्वल टू कितना देगा i/3×3R, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपके पास IR आ रहा है। तो अपन यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि वी ए, वी बी और वी सी इन तीनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को ये दे रखा है कि पॉइंट ए और बी इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट है, तो आपको सी और डी के बीच में वोल्टेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये तो आपके पास में कितना देगा 2C, ये अपने पास में कितना देगा सी और ये अपने पास में कितना देगा फिर से 2C, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना देगा अपने को 60 वोल्ट देगा। तो यहाँ पे 2C, सी और 2C ये तीनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो यहाँ पे अपने को वोल्टेज का डिवीजन करना है। अब वोल्टेज का डिवीजन कैसे करते हैं, अपन जाने कि क्यू इक्वल टू क्या होता है C×V, इक्वल टू क्या होगा आपके पास है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, तो यहाँ पे V1, V2, V3 इसका रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, 1/2 इक्वल टू कितना देगा आपके पास में 1:2:1। तो यहाँ से ध्यान से देखना, देखो ये वाला जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिल जाएगा 1:1, तो टोटल रेशियो कितना देगा आपके पास में 4, तो 2/4 1/2 आ जाएगा, यानी हाफ आ जाएगा इसका, तो 60 का हाफ कितना देगा 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे अपने पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो चार्ज पार्टिकल इसकी वेलोसिटी यूँ दे रखी है और इसके बाद में ये वेलोसिटी होगी और फिर उसके बाद में ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये ऑब्वियसली इस प्रकार से यूँ मूव करेगा, ये इस प्रकार से यूँ मूव करेगा, और ऐसे बोला जा रहा है कि ये इसको जस्ट टच करता है या इसको टच नहीं करता है, तो मतलब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे डी के बराबर हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं R=D और R का फॉर्मूला अपन जानते हैं, यहाँ पे अपने को इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसका फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं √2mK अपॉन क्या देगा QB। तो यहाँ से अपने को मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड B=2 कितना देगा √2mK/QD और यही आपका आंसर है, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर अपने को ऐसे दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं और दोनों की काइनेटिक एनर्जी अपने को सेम दे रखी है, तो अपन जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका फॉर्मूला क्या होता है √2mK/QB। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, तो यहाँ से आपके पास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ध्यान से देखना, देखो जो प्रोटॉन होता है इस प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी जो कर्वेचर होती है इसका जो पाथ होता है वो लेस कर्ड होगा, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्ड, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिएगा द पीक वोल्टेज इन ए 220 वोल्ट एसी सोर्स इज, तो पीक वोल्टेज आपको दे रखा है मतलब 220 वोल्ट, ये अपने पास में RMS वैल्यू है और अपन जानते हैं कि VRMS इक्वल टू कितना होता है आपके पास में V0 ओवर
रूट टू, तो यहाँ से वी नॉट इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास रूट टू टाइम्स ऑफ है वी आर एम एस, तो रूट टू कितना देगा आपके पास 1.4 और वी आर एम एस कितना देगा आपके पास में 220, और इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो अप्रॉक्स कितना देगा आपके पास है 310 वोल्ट. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस कर रहे हैं. देखिएगा इसके अंदर अपने पास में एक स्क्वायर लूप है और इसको अपन यूँ बनाते हैं. यहाँ पे मान के चलेगा इसके अंदर जो करंट है वो कितनी आ रही है, I आ रही है. तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट है वो कितनी आ रही है आपके पास है 3I/4, और यहाँ पे इसके अंदर जो करंट है वो अपने पास में कितनी आ रही है बताओ I/4. तो यहाँ पे ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड अकेला प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कितना देगा, जीरो जाएगा. तो केवल सेंटर है उसी पे मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो मिलेगा आपको. तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो ओनली एट द सेंटर ऑफ द लूप. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अपन डिस्कस कर रहे हैं. देखिएगा, देखो यहाँ पे अपने पास में कई सारे लेंसेज हैं, इनकी कॉम्बिनेशन आपको गिवन है. जैसे मतलब एक तो आपके पास में ये लेंस है और एक आपके पास है जैसे मान के चलेगा ये लेंस है. इसकी फोकल लेंथ वो भी कितनी देगी आपके पास एस एफ, और इसकी फोकल लेंथ भी कितनी देगी एफ हो जाएगी. तो इसको अगर अपन जैसे कॉम्बिनेशन करते हैं तो 1/f net इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/f इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास 2/f. तो हर केस में जो नेट फोकल लेंथ है वो अपने को कितनी मिलने वाली है एफ बाई टू मिलने वाली है. ठीक है ना, चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन है. तो इसकी भी 2f f/2 f/2 f/2, तो आपके पास में रेशियो कितना देगा 1:1. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. देखिए यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एक करंट कैरिंग वायर है और इसके पास में कोई भी एक लूप रखा हुआ है. ठीक है ना, जैसे मतलब ये अपने पास में करंट कैरिंग वायर है, इसके पास में आपने इस प्रकार से कोई भी एक लूप रख दिया है और इसके अंदर इस प्रकार से यूँ करंट जा रही है. तो ऑब्वियसली ये वाला इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड प्रोड्यूस करेगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड वो देगा आपके पास अंदर की तरफ. तो ये वाला जो पार्ट है इस पे ये आई और ये बी, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ. इसी प्रकार से इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ. तो इसका मैग्नेटिक फोर्स और इसका मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. अब ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो ये तो इस प्रकार से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इससे रिपल्स हो जाएगा. बट ये वाला वायर पास में, इसकी वजह से इस पे मोर अट्रैक्शन लेस रिपल्सन, सो नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव. तो इसका आंसर हो जाएगा मूव टुवर्ड्स द वायर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 अपन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा आपके पास में तीन बल्ब्स हैं, B1, B2 और B3. एक तो अपने पास में ये बल्ब हो जाएगा, एक ये बल्ब हो जाएगा, एक अपने पास में ये बल्ब हो जाएगा. अब यहाँ पे आपको ऐसे बोला जा रहा है कि B1 है वो कितना देगा 100 वोल्ट का, ये कितना देगा 60 वोल्ट का, और ये भी आपको 60 वोल्ट का गिवन है. अब जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी वोल्टेज है, तो ये पूरी की पूरी जो वोल्टेज है वो किसको मिल रही है, इसको मिल रही है. तो इसको तो पूरी की पूरी 250 वोल्ट है वो मिल रही है. तो ऑब्वियसली जो इसकी ब्राइटनेस है थर्ड की वो तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है ना, तो W3 सबसे बड़ा हो गया. अब यहाँ पे 250 वोल्ट है वो इसके अंदर और इसके अंदर डिवाइड होगा, और अपन जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर कम होती है वो ज़्यादा चमकता है. तो यहाँ पे पावर कम किसकी हो जाएगी 60 वोल्ट की, तो 60 वोल्ट वाला इससे ज़्यादा चमकेगा. यानी इसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास W2, और सबसे कम ब्राइटनेस किसकी हो जाएगी 1 की हो जाएगी. तो ये आपके पास सही ऑप्शन आ जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर, W1 सबसे कम हो जाएगा और W3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा. तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18 अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं. देखेंगे यहाँ पे आपके पास में कोई भी एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है, और अपन बना देते हैं इसको. इसके अंदर यूँ करंट जा रही है और यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया है. तो सबसे पहले सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन पता कर लेते हैं. इस प्रकार से ये करंट हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब ध्यान से देखना, तो ये आपके पास में वी हो गया और ये बी इनवर्ड हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगता अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस कारण से इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा. तो फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगी. अब ये तो अपने पास एक्स एक्सिस हो गई और ये अपने पास में क्या हो जाएगी वाई एक्सिस हो जाएगी. तो फोर्स अब वो इधर की तरफ आ जाएगा. तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा -IKF और -JKF. तो -IKF -JKF, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19. देखिएगा ये प्रिज्म का क्वेश्चन है
और प्रिज्म के अंदर एक फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ से आपके पास है एंगल ऑफ डेविएशन कितना देगा 3, तो म्यू आपको कैलकुलेट करना है माइनस वन इंटू ए, प्रिज्म एंगल कितना देगा 6 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास है म्यू माइनस वन इजिक्स टू कितना देगा 0.5, तो यहाँ से आपके पास है म्यू इक्वल टू 1.5, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, पोलेरॉइड का क्वेश्चन है। देखिएगा ये आपके पास में दो पोलेरॉइड्स हैं और दोनों एक दूसरे के क्रॉस कंडीशन में रखे गए हैं। यहाँ पे आपके पास में अनपोलराइज्ड लाइट है आई नॉट। अब इसमें से हाफ इंटेंसिटी है वो ट्रांसमिट कर जाएगी आई नॉट बाई टू, और फिर उसके बाद में ऐसे बोला जा रहा है कि इसको आपने 30 डिग्री पे घुमा दिया है। तो ये आपके पास है 30 डिग्री पे आपने इसको घुमा दिया है, तो यहाँ से कितनी इंटेंसिटी निकलेगी आई इक्वल टू कितना होता है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट बाई टू इसके बाद में थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और कॉस 30 कितना होता है अपने पास रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना देगा आपके पास है 3/4। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में कितना देगा 3 I0/8, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास है 0.375 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है आई नॉट। तो ये आपके पास हो जाएगा 37.5 I0। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन जानते हैं कि कोई भी अपने पास में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है उसके आउटसाइड पॉइंट्स पे इसकी रेडियस कितनी देर की आपको 10 मीटर, और आउटसाइड पॉइंट यानी 20 मीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना देर का आपको 40 देर का है। तो अपने पास ई इक्वल टू कितना होता है बताओ KQ/R², तो यहाँ से ई कितना देर का अपने पास में 40, KQ/R कितना देर का अपने पास में 20, तो 20 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 400। तो यहाँ से आपके पास है KQ इक्वल टू कितना देगा 400 × 40। अब आपको ऐसे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपन इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, और इनसाइड फील्ड पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है KQ r/R³। तो KQ की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 400 × 40। स्मॉल r कितना हो जाएगा अपने पास में 5/R, क्या होती है इसकी रेडियस होती है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा अपने पास में 1000। इसके बाद इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 80 न्यूटन/कूलम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे अपने पास में कोई भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है वो आप ए मान लो। यहाँ पे आपने 4 पार्टिकल्स रख रखे हैं Q, 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 ये इसके दोनों डायगनल्स हो जाएंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये अपने को मालूम है कितनी होती है A/√2 होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना देगा आपके पास है KQ/R, और R कितना देगा आपके पास A/√2। और यहाँ पे ऐसे अपने पास में आइडेंटिकल 4 पार्टिकल्स है, तो नेट पोटेंशियल इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये अपने पास में कितना देगा बताओ 4√2 KQ/A। तो इसको अपन लिख देंगे 4√2, क्या होता है 9 × 10⁻⁹, और Q इसका चार्ज होता है जो कि कितना देगा 10⁻³ × 10⁻⁹⁹ A इसकी साइड हो जाएगी 0.08। और अगर इसको अपन सोल्व कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1500√2। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे अपने को V और R के बीच में ग्राफ दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में किस प्रकार से वेरिएशन होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे अपन जानते हैं कि रिलेशन होता है अपने पास में E इक्वल टू क्या होता है -dV/dr। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्मॉल r इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक। स्मॉल r 0 से लेकर 2 तक जो V और R है उन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा कैसा स्ट्रेट लाइन है, तो कितना हो जाएगा बताऊँ E इक्वल टू -dV/dr। तो dV कितना हो जाएगा अपने पास में 5/R कितना हो जाएगा आपके पास है 2, तो माइनस का 2.5 न्यूटन/कूलम या वोल्ट/मीटर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं स्मॉल r इक्वल टू 2 से लेकर 6 तक, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास में 0 देगा। और इसके बाद में स्मॉल r इक्वल टू 6 to 8, ये अपने पास E इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे 6 to 8 जो पोटेंशियल है वो 5 से 0 तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 5/2।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस का 2.5 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो पहले तो क्या है, नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी डाइपोल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन रोटेट करवा रहे हैं, और इसके लिए अपने को जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा अपने पास में फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो सबसे पहले केस में आपको क्या दे रखा है, देखिएगा वर्क डन कितना दे रखा है आपको W, PE आपको गिवन नहीं है। पहले एंगल कितना आपके पास है, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 0 कितना देगा आपके पास 1 माइनस, बाद में इसको 60 डिग्री तक आप रोटेट करवाते हैं, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो इसको अपन बोलेंगे PE बाई 2। तो यहाँ से अपने पास PE इक्वल्स टू कितना देगा 2W, और इसके बाद में नेक्स्ट आपको W डेस इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास में PE। अब आपको बोला जा रहा है कि फर्दर इसको 120 से आपने रोटेट करवा दिया, यानी 60 तक तो आप पहले इसको रोटेट करवा चुके हैं, और 120 का रोटेशन आपको और देना है, यानी फाइनली इसका एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं cos 60, cos 60 कितना देगा 1/2 माइनस cos 180 कितना होता है, माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना देगा 3 PE/2। तो 3/2 और PE को अपन क्या लिख सकते हैं 2W, 2 कैंसिल आउट बाई 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3W। तो 3W इज करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को 3 माइक्रोफेड की कैपेसिटेंस सही है, और आपके पास में 2 माइक्रोफेड के कैपेसिटर हैं, तो आप इसको किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। आपके पास में 3 कैपेसिटर्स हैं ईच ऑफ 2 माइक्रोफेड। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे 2 माइक्रोफेड, इसके अगर आपने सीरीज में 2 माइक्रोफेड लगा दिया तो 2 2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना देगा अपने पास में 1, और 1 के पैरेलल में अगर आपने 2 और लगा दिया तो 1+2 कितना देगा आपके पास है 3, या आपके पास है 3 माइक्रोफेड हो गया। तो ये आपका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर एक दूसरे के सीरीज में, और इन दोनों के सीरीज के थर्ड वो पैरेलल में जुड़ जाएगा, तो 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड द थर्ड इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे कई सारी प्लेट्स है, और आपको बताया कि जैसे 2 प्लेट्स होती हैं उनके बीच में कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, और कोई भी जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ पे आपके पास में कुल मिलाकर के देखेगा 1, 2, 3 और 4, ये इस प्रकार से 4 प्लेट्स हैं। तो एक तो कैपेसिटर यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, 3 कैपेसिटर बन जाएंगे, और तीनों कैपेसिटर यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी देगी आपके पास में, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3C, 3, और सी कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर एप्सिलॉन A/D, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 अपन डिस्कस करना जा रहे हैं, बहुत सिंपली इसको बिना पेन उठाए भी अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो 2 एम्पियर + 2 एम्पियर 4 एम्पियर पॉइंट ए पे आ रही है, तो 4 एम्पियर आ रही तो 4 ही जा रही है, अब 4 में से 1 एम्पियर उधर की तरफ निकल गई, तो बची कितने अपने पास है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर वो पॉइंट बी पे जाएगी। अब 3 में से वो वाली जो ब्रांच दे रखी है उसके अंदर आपको 1.3 एम्पियर दे रखा है, तो रिमेनिंग करंट कितनी हो जाएगी 1.7 एम्पियर, ठीक है ना। तो 1.7 एम्पियर इज करेक्ट आंसर। एक कंसेप्ट होता है कि आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, ये KCL का कंसेप्ट होता है, तो 1.7 एम्पियर इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई भी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अपन क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको कम्प्लीटली इसको अपन मैग्नेटाइज कर लेते हैं। इट मीन्स इसके सारे के सारे जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, और इसके बाद में यदि आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर भी दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो मैग्नेटिक जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा, रिमेन कॉन्स्टेंट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है जो कि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिफ इज 0 एट द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर, बिकॉज अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक इक्वेटर होता है उसके ऊपर अर्थ का केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, इस कारण से मैग्नेटिक नीडल होती है वो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाती है। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं है, केवल और केवल BH होता है। तो अगर मैग्नेटिक नीडल को अपन यहाँ पे रख देंगे तो मैग्नेटिक नीडल इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और थीटा इक्वल टू कितना देगा अपने पास में 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ BV इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 0 देगा, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा
देखो कोई भी एक सर्टेन प्लेस है जहाँ पे एंगल ऑफ डिफ कितना दे रखा 30 डिग्री यानी थीटा आपको गिवन है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 और स्टेट गिवन है, तो यहाँ पे आपको जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको कैलकुलेट करना है। एक फॉर्मूला था बी एच इक्वल टू क्या होता है आपके पास में बी कॉस थीटा, तो बी इक्वल टू कितना देगा आपके पास में बी एच अपॉन कॉस थीटा, तो बी एच आपको 0.5 गिवन है और थीटा कितना देगा आपको 30, कॉस 30 कितना होता है आपके पास √3/2, तो आंसर आपके पास में जाएगा 1/√3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। अपन जानते हैं कि VIBGYOR V2R अगर अपन चलते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है और एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है, ऐसा अपन जानते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसे बोला जा रहा है कि E4 से E2 यानी E4 से E2 यानी यहाँ से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस प्रकार से यूँ आता है तो ये क्या करता है अभी ब्लू लाइट को इमिट करता है, ठीक है ना, ब्लू लाइट को इमिट करता है। अब ध्यान से देखना, देखो आपको बोला जा रहा है एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब आपको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करवाना है यानी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे आपको जाना है, और रेड लाइट रेड यानी लेमडा आपको ज़्यादा चाहिए यानी एनर्जी आपको कम चाहिए, तो ध्यान से देखना तो इससे अपने को बड़ी वेवलेंथ चाहिए यानी छोटी एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए अपने को कौन से ऑप्शन हो सकते हैं E4 to E1, तो ध्यान से देखना तो E4 to E1 यानी हाई से लो आ रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद में E3 to E2, E3 से E2 यानी हाई से लो आ रहे हैं ये भी नहीं हो सकता। E2 to E3, 2 से 3, तो ध्यान से देखना 2 से 3 ये हो सकता है बिल्कुल एकदम, इसको एक बार अपन रिजर्व रखते हैं। E1 to E4, तो E1 से लेकर के E4, तो E1 से E4, तो ये तो गैप बहुत ज़्यादा हो गया, तो अपन थर्ड ऑप्शन है उसी को करेक्ट मानेंगे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा N=3 से N=1 के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है हाइड्रोजन एटम में तो वेवलेंथ कितनी देता है लैम्डा, और इसके बाद में आपको बोला जा रहा है डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन, तो ध्यान से देखना देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इसके लिए जेड कितना होता है 3 होता है, अपन जानते हैं कि 1/λ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास है जेड स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास है लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, जेड कितना हो जाएगा आपके पास बताओ 3, तो 1/3 इसका होल स्क्वायर तो 1/9, तो लैम्डा λ/9, तो λ/9 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से मतलब कौन सा सही है ये अपने को चेक करना है, तो लीनियर मोमेंटम अपन जानते हैं P=2 क्या होता है आपके पास m × v, तो मास तो वैसे भी कांस्टेंट होता है तो P=V, और अपन जानते हैं V=2 क्या होता है आपके पास है z/n, तो P=(n), तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर ऐसे बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्वायर हाई टेम्परेचर बिकॉज, अपन जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन के अंदर न्यूक्लियस को फ्यूज होना होता है, और वैसे भी दोनों न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट अगर इन दोनों को अपने को कोलिजन करवानी है तो इसके लिए इनको हाई एनर्जी से अपने को एनर्जाइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, द बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी द पार्टिकल्स कैन नॉट कम क्लोजर अनलेस दे आर मूविंग रैपिडली, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट कि पार्टिकल्स होते हैं हाई एनर्जी के बिना एक दूसरे के पास में नहीं आ सकते, तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा क्वेश्चन के अंदर ऐसे कह रहा है कि कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसकी हाफ लाइफ है 2 आवर्स है और प्रेजेंट में इसकी जो इंटेंसिटी है 64 टाइम्स है, तो इसको आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है R=R0/2n, तो R कितना देगा आपके पास R0/64, तो R0/2n, R0 से R0 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 2n = 64 जो कि होता है 2^6, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो आपके पास है t = कितना होता है n × t, तो 6 × 2 = 12 आवर्स, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा आपके पास एक फॉर्मूला होता है n = क्या होता है p λ/hc, पावर इक्वल दे रखी है एच और सी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, अपन जानते हैं विबग्योर में VIBGYOR V2R लेमडा क्या होता है इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे आपके पास एक तो रेड है एक ब्लू है, तो एक तो रेड
और एक आपके पास में ब्लू, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसके लिए एन भी क्या होता है ज़्यादा होता है, तो एन आर बड़ा हो जाएगा, तो एन आर इज़ ग्रेटर देन एन बी, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर ऐसे बोला जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे से आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कुछ एनर्जी का ऑलरेडी लॉस कर चुके होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, उनकी स्पीड क्या होती है कम होती है, तो हैव स्पीड्स वेरिंग फ्रॉम जीरो, कुछ की जीरो भी होती है अप टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, और कुछ की क्या होती है मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम उनकी होती है जो सरफेस से इमिट होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 अपन डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ से अपन जानते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास एच अपॉन पी, एच अपॉन पी को अपन क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 2mk, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ के। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी दे रही, के वेवलेंथ कितनी हो जाएगी लैम्डा, अब ऐसे बोला जा रहा है कि एनर्जी को अगर आपने 4 टाइम्स कर दिया, तो एनर्जी को अगर आपने 4 टाइम्स करवा दिया तो 4 का रूट कितना देगा आपके पास में 2, तो 1/2, तो लैम्डा डेस है वो कितना देगा आपके पास है लैम्डा बाई 2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे आपके पास में कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये एक रूल होता है कि वी वेक्टर इज़ टू क्या होता है आपके पास में, मतलब डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर ये पैरेलल होता है किसके बताऊँ, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन किसकी होती है पॉइंटिंग वेक्टर की होती है, ठीक है ना, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 अपन डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा लॉजिक गेट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये अपने पास में एक एंड गेट है और ये भी अपने पास इस प्रकार से एक एंड गेट है, और इसका आउटपुट, इन दोनों का आउटपुट अपन किसको सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक और गेट है और यहाँ पे बी, ये ए हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपन एक नॉट गेट लगा रखा है, देखिएगा सबसे पहले ए तो इसको मिल जाएगा ए, ये आपके पास है बी तो इसको मिल जाएगा बी, यहाँ से इसको भी मिल जाएगा ये बी, ये ए नॉट गेट से पास होगा तो ए बार बन जाएगा, तो ये ए बी, तो ये आपके पास बन जाएगा ए डॉट बी, और ये आपके पास बन जाएगा ए बार डॉट बी, और फिर उसके बाद में ये और गेट है तो ये इसको बना देगा ए डॉट बी, और इसके बाद में प्लस लगा देगा, क्या बना देगा आपके पास ए बार डॉट बी। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन ए और बी इन दोनों की वैल्यू अपन 0 0 पुट करते हैं, तो ध्यान से देखना, देखो 0.0 कितना होता है 0, और ये आपके पास में 0 का बार कितना देगा 1, तो 1.0 कितना देगा आपके पास में 0, और 0+0 कितना देगा 0, तो 0 0 तो 0 मिलता है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अभी ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा 0.1 कितना देगा 0, और इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 0 का बार 1 और 1.0 कितना हो जाएगा आपके पास में 1.1 कितना हो जाएगा 1, और 1+0 कितना देगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, इसके बाद में 1 0, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.0 0 प्लस, इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में जो 1 है इस 1 को अपन क्या लेते हैं 1 का अपन बार कर देंगे तो 0 और 0.0 0 हो जाएगा, और 0+0 कितना हो जाएगा 0, और इसके बाद में 1 1 लेते हैं तो 1.1 कितना हो जाएगा 1, और ये आपके पास में 1 का बार 0 0.1 क्या बन जाएगा आपके पास में 0, और 1+0 कितना देगा 1, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 अपन डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे अपने पास है दो वायर्स हैं, उन दोनों में एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इस प्रकार से करंट जा रही है, तो ये तो आपके पास है 20 और ये आपके पास है 40 एम्पीयर की करंट, और दोनों के बीच में अपने को इस प्रकार से एक वायर रखना है, और इसमें ऐसे बोला जा रहा है कि 20 एम्पीयर की अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो करवानी है, तो इधर की तरफ मान के इसलिए कोई भी करंट हो जाएगी आई, तो यहाँ पे आई और 40 ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, तो ये तो इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, तो नेट फोर्स अब किधर की तरफ हो जाएगा 40 एम्पीयर की तरफ, तो टुवार्ड्स द वायर कैरिंग करंट 20 एम्पीयर करंट, ये गलत है, टुवार्ड्स द वायर कैरिंग 40 एम्पीयर करंट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 अपन डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ,
देखिएगा, ये आपके पास है चार्ज Q1 है और ये आपके पास है चार्ज के साथ एक Q2 है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आपको कहाँ पे मिल रहा है, इस Q2 के पास मिल रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, Q2 इज लेस देन क्या देगा आपके पास में Q1। तो यहाँ पे जो छोटे वाला चार्ज होता है उसके पास में आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, बात नंबर एक। इसके बाद देखिएगा, देखो ये आपके पास जो Q1 है, इस Q1 के इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है। इसका मतलब अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है। तो मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ है, यानी टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसका मतलब आपके पास में Q1 है वो तो क्या देगा, नेगेटिव, और Q2 है वो आपके पास में क्या देगा, पॉजिटिव। क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट बाहर की तरफ तब मिलता है जब दोनों अनलाइक चार्जेज हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज पॉजिटिव, Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज पॉजिटिव, एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q2, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बोला जा रहा है कि कंडक्टिंग रोड ऑफ मास एंड लेंथ L इज प्लेस्ड ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपन ने लगाया है और कोई चार्ज अपन ने इसमें से सडनली पास करवाया है तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है। ऑब्वियसली मतलब इंस्टेंटली कुछ वेलोसिटी गेन कर रहा है, यानी इस पर कुछ इंपल्स लग रहा है, और अपन जानते हैं इंपल्स इज टू क्या होता है आपके पास में, आई इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, और इक्वल टू कितना देगा आपके पास, एम इंटू वी माइनस यू। तो फोर्स कितना होता है आपके पास, ILB इंटू क्या देगा, टी इक्वल टू एम वी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपके पास में, जीरो है। तो यहाँ पे आपके पास I इंटू टी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू। तो QLB इक्वल टू क्या देगा आपके पास, एम इंटू वी। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है, तो एम वी अपॉन क्या देगा आपके पास में, LB। तो MV अपॉन LB, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा ये अपने पास में कोई भी एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, यहाँ से ये कोई लाइट रे आ रही है 60 डिग्री एंगल पे, मान के चलेगा ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये कितना देगा आपके पास है, 2 थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपके पास है 2 थीटा देगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देगा अपने पास है, म्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन इस पॉइंट पे अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ, बार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देगा, 1 × sin 60 √3/2 इक्वल टू अंदर का कितना देगा, म्यू इंटू कितना देगा, साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, म्यू साइन थीटा इक्वल टू √3/2, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इस पॉइंट पे अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो अंदर का कितना देगा आपके पास, म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू बार का कितना देगा आपके पास, 1 × sin 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 sin θ cos θ। साइन थीटा से अपन यहाँ पे साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास में म्यू इक्वल टू, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू म्यू बाई 2 आ जाएगा। और इसके बाद में यदि इन दोनों इक्वेशंस को अपन डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास में म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके पास AC का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास में VR कितना देर का 80, VL कितना देर का आपके पास में 40, और VC कितना देर का आपके पास 100। और अपन जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट होता है। तो यहाँ से आपके पास में VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, VL माइनस VC कितना देगा आपके पास है, 60, और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 100 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।